मंदिर की वर्तमान संरचना 1134 ईस्वी पूर्व की है। यह मंदिर एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल माना जाता है। मंदिर के मुख्य देवता पार्श्वनाथ की 18 सेंटीमीटर 7.1 इंच सफेद रंग की मूर्ति है, जिसे जिरावाला पार्श्वनाथ के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह मूर्ति दूध और रेत के मिश्रण से बनाई गई है। श्वेतांबर परंपरा में मूर्तियों का नाम एक भौगोलिक क्षेत्र से लिया जाता है। जिरावाला पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ मूर्तियों की 108 प्रमुख मूर्तियों में से एक है। जिरावाला पार्श्वनाथ की प्रतिकृतियां श्वेतांबर मूर्ति पूजक के बीच लोकप्रिय हैं। जैन मान्यता के अनुसार इन स्थानीय प्रतिकृति मूर्तियों की पूजा करने से उन्हें सीधे मूल मूर्ति की पूजा करने की अनुमति मिलती है। यहाँ नेमिनाथ की छवि वाला एक मंदिर भी है। मुस्लिम शासन के दौरान इन मंदिरों पर हमला किया गया और उन्हें अपवित्र किया गया, लेकिन बाद में जैन समुदाय द्वारा इनका जीर्णोद्धार किया गया। ये गांव जैनियों का तीर्थ स्थान था। 15वीं शताब्दी के दौरान कई जैन संतों और विद्वानों ने इस स्थान का दौरा किया और वहां धार्मिक पुस्तकों की रचना की। मंदिर की वास्तुकला अलंकृत है। मंदिर में मुख्य मंदिर के रूप में एक बड़ी गुंबददार संरचना है और मुख्य मंदिर की धुरी के साथ गुंबददार 52 उप मंदिर हैं। इन मंदिरों में पार्श्वनाथ की कुल 108 मूर्तियां हैं, जिनमें से प्रत्येक का एक अलग नाम है। और केंद्रीय मंदिर में मंदिर के प्रमुख देवता जिरावाला पार्श्वनाथ की मूर्ति है। मंदिर परिसर में कुल 60 ध्वज स्तंभ हैं। जैन मान्यता के अनुसार यह मंदिर 2800 वर्ष पूर्व का है। जिरावाला 506 ईस्वी से 1324 ईस्वी के बीच एक महत्वपूर्ण जैन केंद्र रहा है और इसे कई जैन आचार्यों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ। मंदिर के प्रमुख देवता पार्श्वनाथ की प्रतिष्ठित मूर्ति एक खुदाई के दौरान मिली थी। ब्राह्मण बालक कड़वा की गाय प्रतिदिन जिरावाला में एक गुफा के पास अपना दूध बहाती थी। ब्राह्मण बालक से यह बात सुनकर जैन सेठ धन्ना शाह को स्वप्न में पार्श्वनाथ की मूर्ति दिखाई दी, जहां गाय दूध डालने जाती थी। खोज के बाद मूर्ति उसी स्थान से मिली और मूर्ति को 894 ईस्वी में आचार्य देव गुप्ता सूरी द्वारा स्थापित किया गया था। नेमिनाथ की एक मूर्ति को अस्थायी रूप से मंदिर के मूलनायक के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था। 2001 के गुजरात भूकंप के दौरान मंदिर की संरचना क्षतिग्रस्त हो गई थी और बाद में 2017 में $60 करोड़ विकिपीडिया के अनुसार की लागत से इसे बहाल किया गया था। मंदिर में भोजनालय रेस्तरां सहित सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित धर्मशाला